Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टेलीविजन की वन ऑफ द मोस्ट बबली एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी डिंपल भरी स्माइल से जीते हैं लाखों दिल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टेलीविजन की क्यूटेस्ट एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन की, जो टेलीविजन में अपनी बबली और इनोसेंट कैरेक्टर्स के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। वेल, जैस्मीन अब तक सारे बड़े चैनल्स स्टार, जी और कलर्स में लीडिंग शोज कर चुकी है, जिसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार कई पॉपुलर शोज का हिस्सा रही। लेकिन इन सभी शोज में सबसे खास बात थी उनके और उनके साथ दिखने वाले को एक्टर्स के साथ उनकी सिजलिंग केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम रैंकिंग करेंगे जैस्मीन के साथ बन चुकी अब तक की कुछ बेस्ट जोड़ीज की। तो शुरुआत करेंगे रैंक नंबर 10 से, जहां है जैस्मीन के साथ एक्टर नमन सौ की जोड़ी सीरियल टशने इश्क से, जहां नमन ने सौ के मेन लीड को रिप्लेस किया था और आफ्टर सर्जरी कुंज के नए रूप में नमन नजर आए थे। जहाँ ट्विंकल के साथ उनकी जोड़ी फिर भी ठीक ठाक लगी। तो दोस्तों, अब आते हैं रैंक नंबर 9 पर, जहाँ है जैस्मीन के साथ एक्टर रोहित पुरोहित की जोड़ी, जहाँ जैस्मीन के कैरेक्टर हैप्पी की शादी रोहित उर्फ रणविजय से हो जाती है। जहाँ रणविजय का हैप्पी के लिए वन साइडेड ऑब्सेसिव लव था, तो वही हैप्पी का रणविजय के लिए बदले का जुनून। दोनों एक्टर्स के साथ में रोमांटिक सीन्स कुछ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी ये दोनों साथ में अच्छे लग रहे थे। तो दोस्तों, अब चलते हैं रैंक नंबर 8 पर, जहाँ उनके साथ कुणाल वर्मा की जोड़ी सीरियल दिल से दिल तक से, जहाँ अमन का कैरेक्टर का तैनी के लिए वन साइडेड लव दिखाया गया था, जिसे ऑडियंस ने काफ़ी पसंद भी किया था, पर इनका लव ट्रैक शो में ज़्यादा एपिसोड तक नहीं चला। तो दोस्तों, आप बात करेंगे रैंक नंबर 7 की, जहाँ उनके साथ विजेंद्र कुमेरिया की जोड़ी सीरियल नागिन 4 से। इस सीरियल में जैस्मीन नयन के किरदार में थी, तो वही विजेंद्र देव के किरदार में थे। जहाँ सीरियल में देव के कैरेक्टर का नयन के लिए क्रश और नयन का देव के साथ फ्लर्टिंग को भी दर्शकों ने काफ़ी इंजॉय किया और दोनों के सीन साथ में कम होते हुए भी काफ़ी इंटरटेनिंग थे। तो दोस्तों, अब आते हैं रैंक नंबर 6 की तरफ, जहाँ उनके साथ अंश बागरी की हैप्पी और रॉकी की जोड़ी सीरियल दिल तो हैप्पी है जी से, जहाँ इस लाइट हार्टेड पंजाबी शो में हैप्पी और रॉकी के लव हेट रोमांस को ऑडियंस ने काफ़ी इंजॉय किया था और दोनों ही लीडिंग कैरेक्टर्स के बीच काफ़ी रोमांटिक सीन्स भी दिखाए गए थे। तो दोस्तों, अब बढ़ेंगे रैंक नंबर 5 की तरफ, जहां उनके अपोजिट में रोहन गंडोत्रा की जोड़ी सीरियल दिल से दिल तक से, जहां जैस्मीन थी गुजराती गर्ल तेनी के कैरेक्टर में, तो वही उनके अपोजिट में रोहन गंडोत्रा ने शो के मिडवे में ही लीडिंग कैरेक्टर को रिप्लेस किया था। बट आफ्टर रिप्लेसमेंट भी जैस्मीन और रोहन एक साथ एक खूबसूरत जोड़ी को पेश करने में सक्सेसफुल रहे। तो दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 4 की, जहां उनके साथ लेट एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की तेनी और पार्थ की जोड़ी सीरियल दिल से दिल तक से, जहां बबली तेनी की क्यूटनेस और उसका या फिर उसका पार्थ के प्रति लगाव हो या फिर पार्थ का तेनी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर और केयरिंग हो, इनकी साइलेंट केमिस्ट्री को ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया था। तो दोस्तों, आप चलते हैं रैंक नंबर 3 पर, जहां उनके साथ उनके रियल लाइफ पार्टनर अली गोनी की जोड़ी, जहां ये दोनों पहली बार खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में साथ में दिखे थे, जहां इनकी दोस्ती की चर्चा काफ़ी हुई थी, पर इनकी दोस्ती को प्यार का रंग मिला बिग बॉस के 14th सीजन में और दोनों ने फर्स्ट टाइम अपने प्यार का इजहार इसी शो में किया था और तब से लेकर आज तक ये दोनों इनसेपरेबल है। तो दोस्तों, अब आ गए हम अपने रैंक नंबर 2 पर, जहां पर है जैस्मीन के साथ उनके पहले शो के को स्टार जेन इमाम सीरियल टशने इश्क से, जहां शो के इनिशियल एपिसोड्स में युवराज और ट्विंकल के कई रोमांटिक सीन्स दिखाए गए थे और ये दोनों ही लीड्स की टशने भरी केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया था, जहाँ कुछ सेक्शन ऑफ ऑडियंस ट्विंकल के अपोजिट में सिर्फ यूवी को ही देखना चाहती थी। फाइनली आएंगे जैस्मीन के कैरियर की नंबर 1 जोड़ी पर, जो कि है जैस्मीन के साथ सिद्धांत गुप्ता की ट्विंकल और कुंजी की सिजलिंग केमिस्ट्री। तो दोस्तों, ये थी जैस्मीन के साथ बन चुकी अब तक की कुछ बेहद ही शानदार जोड़ियाँ। तो इस वीडियो को कोई वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।